महादेव पंडित जी, हर महादेव। ये अपने बाबा बैद्यनाथ की क्या कहानी है और क्या 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 चीज़ें यहाँ प्रसिद्ध हैं? ये बाबा बैद्यनाथ जो हैं जी, ये दोनों में आता है बाबू। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग में भी आता है। हाँ, और 52 शक्तिपीठ में भी आता है। 52 शक्तिपीठ में भी आता। हाँ, ये पहले शक्तिपीठ है। हाँ, बाद में यहाँ ज्योतिर्लिंग रावण के द्वारा लाया गया है। अच्छा, अच्छा। लेकिन ये पहले शक्तिपीठ है, माता सती का हृदय गिरा है, इसलिए इनको हृदयापीठ भी बोलते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग में भी है और 52 शक्तिपीठ में भी हमारा बैद्यनाथ आता है। ये रावण के द्वारा लाया गया शिवलिंग है, आत्मलिंग है ये। हाँ, और यहाँ पे वो आप बोले थे कुछ शिव और पार्वती जी को क्या चढ़ाया जाता है? ये गठबंधन होता है, गठजोड़। हाँ। ये 12 ज्योतिर्लिंग में सिर्फ हमारे बाबा बैद्यनाथ में ही गठबंधन का महत्व है। गठबंधन का महत्व जी, यहाँ से नहीं, आदिकाल से ये गठबंधन यहाँ पे हो रहे हैं। और यहाँ पे दर्शन करने के लिए क्या क्या दर्शन करने के लिए दो प्रकार से आप दर्शन कर सकते हैं। हाँ। एक है सामान्य लाइन जिसमें आपको कोई खर्च नहीं है। हाँ। और एक है VIP पास। हाँ। जिसमें आपको अपना खर्च करके दर्शन करना होता है। अच्छा। और रहने रहने होने का यहाँ धर्मशाला है। हाँ। यहाँ रूम वगैरह है। हाँ। धर्मशाला है जो कम पैसा में आप रह सकते हैं। अच्छा। और आपसे श्रद्धालुओं के लिए आपका क्या अनुरोध है? हमारा श्रद्धालुओं के लिए यही अनुरोध है, जो यहाँ पे आइए सुलभ दर्शन करके। हाँ। और बाबा का आशीर्वाद लेके घर जाइए। अच्छा, अच्छा, ठीक है। आपका नाम कैसा? मेरा नाम धर्म बाबा भगवा वाले। अच्छा, आपसे लोगों को संपर्क करना हो तो आपका फ़ोन नंबर? मेरा फ़ोन नंबर है 9304885731। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े इसके लिए।